रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू और दो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। हर रोज की तरह टुन्नू चिड़ा भोजन की खोज में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को चील के नजरों से सुरक्षित रखती थी। माँ, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे बहुत भूख लग रही है। अपनी दीदी की बातें सुनते ही छोटी अपनी दीदी से कहती है, दीदी तुम तो मुझसे बड़ी हो ना, सोचो तुम्हें ही भूखी बर्दाश्त नहीं हो रही है तो मेरा क्या हाल होगा। हाँ, तू छोटी है इसलिए माँ हमेशा तेरे लिए दाने छुपा कर रखती है ना, मुझे सब पता है। बच्चों, तुम दोनों ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो। माँ, मुझे पता है तुम छोटी के लिए दाना बचा कर रखती हो। गुड़िया बेटी, तेरी बहन बहुत छोटी है ना, वह भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए मैं उसके लिए दाना छुपा कर रखती हूँ। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों से बातें कर रही थी, तभी टुन्नू चिड़ा भोजन लेकर वहाँ आ जाता है। अपने पापा को देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी से भोजन करने लगते हैं। टुन्नू जी, आपके आने से पहले दोनों बच्चे आपस में कितना लड़ रहे थे, अब देखो कितने प्यार से भोजन कर रहे हैं। रानू, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, चलो हम दोनों बाहर घूमकर आते हैं। टुन्नू और रानू एक सूखे हुए पेड़ के पास बैठकर दुख सुख की बातें कर रहे थे। टुन्नू जी, अभी तक हम दोनों ने बहुत बातें कर ली है, जल्दी से चलिए वापस घोंसले में चलते हैं। फिर टुन्नू चिड़ा भी वापस घोंसले में आ जाता है, उसके दोनों बच्चे सो रहे थे। ऐसे ही कुछ समय बाद जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण दोनों बच्चे नींद से जग जाते हैं। टुन्नू जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि एक छत वाला घर बना लेते हैं, लेकिन आप मेरे सुनते क्यों नहीं? अब देखिए, हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी बारिश के पानी में भीग रहे हैं। रानू, तुम चिंता मत करो, अभी मैं कुछ ना कुछ करता हूँ हमारे बच्चों के लिए। फिर टुन्नू वहाँ से उड़कर एक बड़ा सा केले का पत्ता ले आता है। उस केले के पत्ते को उन तीनों के सर पर रखता है। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि वो केले का पत्ता भी फट जाता है। फिर टुन्नू अपने पंखों से उन तीनों को बारिश के पानी से बचा रहा था। पापा, आपकी पंखों की छतरी तो बहुत अच्छी है। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम दोनों के साथ ही हूँ। पापा, बारिश के वजह से नींद ही नहीं आ रही है, अब हम क्या करेंगे? तभी अचानक से बिजली पड़ती है। उस बिजली के गरज के वजह से छोटी सी चिड़िया डर के घोंसले में से नीचे गिर जाती है। छोटी सी चिड़िया एक जादुई पेड़ के नीचे गिरती है। तभी टुन्नू देखता है कि वो पेड़ के ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्ते थे, लेकिन वो उन पत्तों को तोड़ नहीं पा रहा था। पेड़ जी, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, अगर आप हमें थोड़े से पत्ते दे दोगे तो हम पत्तों का घर बनाएंगे। फिर वो पेड़ अपने बड़े बड़े पत्ते टुन्नू को दे देता है। उन बड़े बड़े पत्तों से टुन्नू चिड़ा अपने लिए एक बड़ा सा पत्तों का घर बना लेता है। उस दिन के बाद से टुन्नू अपनी पत्नी रानू और दोनों बच्चों के साथ उस पत्तों के घर में खुशी खुशी से रहने लगता है। रानू चिड़िया की नई नई शादी टुन्नू चिड़े से हुई थी। उसके ससुराल में उसकी मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी। रानू को देखकर सभी पक्षी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी वहाँ पर गौरी नाम की घमंडी कौवी वहाँ आती है। ये क्या, ये घर में इतनी गर्मी क्यों लग रही है? एसी तो लगवा लेते माँ जी। चलो छोड़ो रानू, ये देखो इस डिब्बे में पिज्जा है, तुम इसे बाद में खा लेना। पिज्जा?
पिज्जा क्या होता है कवि बहन? क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? वैसे तुम्हें कैसे पता होगा, पिज्जा गरीबों के लिए नहीं होता है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लाई हूँ। ये लो, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, वरना गर्मी में यहीं मर जाऊंगी। ऐसा कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। रानू बहू, इस चुड़ैल की बातों में मत आना, वो गौरी बहुत घमंडी है। रानू उस समय अपने सास से तो कुछ नहीं कहती, जब सारे मेहमान चले जाते हैं तब वो अपने पति टुन्नू से कहती है, टुन्नू जी, क्या हम जैसे गरीब पक्षियों की कोई इज्जत नहीं होती? वो गौरी कभी भी आकर माँ जी को कुछ भी कहकर चली जाती है। माँ जी ने उससे कुछ नहीं कहा और वो कभी इस डिब्बे को देखकर गई है, इस डिब्बे के अंदर पिज्जा है पिज्जा। वो कभी तो पिज्जा का घमंड दिखा रही थी, वो कह रही थी कि तुमने तो कभी पिज्जा देखा नहीं होगा। अरे रानू, ये सब छोड़ो ना, पैसे वाले औरतें घमंडी ही होते हैं। फिर रानू चिड़िया उस पिज्जे को अपने खिड़की में से घर के पीछे फेंक देती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह रानू अपने पति टुन्नू के साथ बाहर जा रही थी, तभी उनको रास्ते में गौरी और कालू कौवा मिल जाते हैं। और बताओ रानू, कैसी हो? तुमने उस पिज्जे को खाया है या नहीं? यह घर में सजा कर रखा है। गौरी बहन, तुम क्यों हमेशा गरीब पक्षियों की मजाक उड़ाते रहती हो? माना कि हम गरीब हैं, तुम तो अमीर हो ना, इसका शुक्र मनाओ। ये कहकर रानू अपने पति टुन्नू को लेकर वहाँ से चली जाती है। रात होते ही रानू मंदिर के सामने खड़ी हो जाती है और भगवान से कहती है, हे ऊपर वाले, मेरी पूरी जिंदगी मैंने गरीबी के में ही गुजार दी, आज तक मुझे उसकी शिकायत नहीं, लेकिन आज मुझे शिकायत है। अरे रानू बहू, जल्दी से खाना लगा दे खाना, क्या कर रही है तू? फिर रानू जल्दी जल्दी से अपनी सास और पति को खाना दे देती है। माँ जी, कल आप मेरे साथ गौरी कवि के घर चलना। वो रात बीत जाती है। सुबह होते ही टुन्नू चिड़ा अपने खेत पर कुछ काम से जाता है। टुन्नू वहाँ का नजारा देखकर चौंक जाता है और जल्दी से अपनी पत्नी रानू को बुलाने लगता है। रानू, कहाँ हो तुम? जल्दी से घर के पीछे आओ, चमत्कार हो गया चमत्कार। रानू, ये देखो, हमारा खेत पूरा पिज्जा से भर गया। पिज्जा उगाया है हमारे खेत में। टुन्नू जी, कुछ दिन पहले मैंने उस गौरी कवि के पिज्जे को खिड़की से बाहर फेंक दिया था, लगता है उसी की वजह से पिज्जा की खेती हो गई। हमारी गरीबी देखकर ऊपर वाला भी हमारा साथ दे रहा है। उस घमंडी गौरी ने कहा था ना कि हमने पिज्जा देखा ही नहीं, आज देखो हमारे पास इतने सारे पिज्जे हैं कि हम सारे जंगल के पक्षियों को आराम से खिला सकते हैं। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो, हम पूरे जंगल के पक्षियों को पिज्जा खिलाएंगे। फिर वो तीनों सारे पिज्जा इकट्ठा कर लेते हैं। फिर जंगल में जाकर सुबह से ही पक्षियों को पिज्जा बेचने लगते हैं। आओ पक्षियों, आओ सस्ते में पिज्जा खाओ, अब पिज्जा खाने के लिए आपको शहर जाना नहीं पड़ेगा। जंगल के सब पक्षी उनके पास पिज्जा खाने के लिए आते हैं, क्योंकि उस जंगल के पक्षियों ने कभी भी पिज्जा नहीं खाया था। पिज्जा के वजह से अब उनकी कमाई दुगनी हो जाती है। माँ जी, हमारी आधी गरीबी तो आज ही खत्म हो गई है। रानू बहू, ये सब सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ है, तो
तो हमारे घर की लक्ष्मी है लक्ष्मी। माँ जी, हम दोनों कल गौरी के घर चलते हैं और उसे पिज्जा गिफ्ट करते हैं। उसे बहुत घमंड था ना। अगले दिन दोनों सास बहू गौरी के घर जाते हैं और उसे ठेले भर के पिज्जा दे देते हैं। गौरी बहन, तुमने तो बस एक पिज्जा दिया था मुझे, उसमें भी तुम कितना उछल रही थी। मैंने तुम्हारे लिए ठेला भर के पिज्जा लाया है, इसे आराम से खाती रहना। उस दिन के बाद से वो परिवार खुशी खुशी से रहने लगता है। रानू अपने पति टुन्नू और बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। टुन्नू चिड़ा फूलों के बगीचे में फूल तोड़कर जंगल में बेचा करता था। वो दिन रात अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करता था। ऐसे ही एक दिन वो अपना काम खत्म करके घर आ रहा था। उसके पंखों में बहुत दर्द हो रहा था। जैसे तैसे करके वो घर आता है और घोंसले में लेट जाता है। अब उसके पंख उसको बहुत भारी लग रहे थे। अब वो उड़ भी नहीं पा रहा था। रानू, मैं जब तक फिर से उड़ना शुरू नहीं कर दूंगा तब तक तुम्हें ही फूल बेचने पड़ेंगे। मैं बहुत मजबूरी में आकर ये बात तुमसे कह रहा हूँ। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। घर का खर्च चलाने के लिए किसी ना किसी को तो काम करना ही पड़ेगा। ठीक है टुन्नू जी, अगर आप कहते हो तो मैं कल से ही फूल बेचने चली जाऊंगी। अगले दिन रानू चिड़िया अपने फूलों के बगीचे में आकर कुछ फूल तोड़ लेती है। फिर उन फूलों को अपने दुकान में बेचने के लिए रख देती है। शाम को गुड़िया चिड़िया बगीचे में तितलियों से खेल रही थी। तभी रानू अपनी बेटी से कहती है, अरे गुड़िया बेटी, तुम यहाँ खेल रही हो, क्या तुमने अपने पापा को भोजन कराया या नहीं? हाँ माँ, मैं पापा को भोजन करवा के ही बगीचे में आकर खेल रही हूँ। तभी मौसम बदलने लगता है। आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। रानू, तुम फूल बेचकर आ गई, थोड़ा सा मेरे लिए चाय बना दो। रानू अपने पति के लिए चाय बनाकर उसको दे देती है। माँ, हमारा घोंसला कई जगह से टूट चुका है, जल्दी से इसकी मरम्मत करवाओ माँ। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। अगर बारिश हो गई तो हमारे घर के अंदर पानी आ जाएगा। मगर गुड़िया बेटी, घर की मरम्मत के लिए मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूँगी? टुन्नू जी, अब हम क्या करें? रानू, अभी तक बारिश शुरू नहीं हुई है, तुम जल्दी से जाकर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करो। फिर उन सूखी लकड़ियों को जहाँ जहाँ हमारे घर में छेद है वहाँ लगा दो। हाँ टुन्नू जी, आप सही कह रही हो, मैं अभी जंगल जाती हूँ और लकड़ियों की खोज करती हूँ। ऐसा कहकर रानू चिड़िया जल्दी से जंगल जा रही थी। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानू को कुछ कमजोर और टूटी हुई लकड़ियां नजर आती हैं। अरे ये क्या, बारिश शुरू हो गई है, जंगल में कहीं भी मजबूत लकड़ियां नजर नहीं आ रही हैं। इन कमजोर लकड़ियों से काम नहीं चलेगा, एक काम करती हूँ, मैं वापस घर जाती हूँ। ऐसा सोचकर रानू जब घर वापस जाकर देखती है तो उसका घर टूट चुका था। टुन्नू घोंसले में पड़ा हुआ था। गुड़िया चिड़िया वहाँ बैठकर रो रही थी। फिर रानू अपने पति को फूलों की टोकरी में रखकर अपनी बेटी गुड़िया के साथ एक सुरक्षित जगह खोज रही थी। टुन्नू जी, आप यहीं रहना और आराम करना, मैं गुड़िया को अपने साथ ले जाती हूँ और कहीं रहने की जगह तलाश करती हूँ। फिर रानू अपनी बेटी गुड़िया को लेकर रहने की जगह तलाश कर रही थी। तभी वो इंसानों के बस्ती की ओर आती है। वहाँ उन दोनों को एक पुरानी ट्रेन नजर आती है।
गुड़िया बेटी, ये देखो हमें रहने की जगह मिल गई है। बारिश का मौसम खत्म होने तक हम इस टेंट के घर में रह सकते हैं। फिर रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू को लेकर उस टेंट घर में आती है। कुछ समय बाद जंगल में और भी ज्यादा तेज बारिश होने लगती है। उस बारिश में बाकी पक्षियों के घर भी टूटकर बारिश के पानी में बह जाते हैं। फिर वो पक्षियाँ भी बारिश से बचने के लिए टूटी हुई ट्रेन के पास आ जाते हैं। सब पक्षियाँ अपने लिए रहने की जगह ढूंढ लेते हैं। वहाँ पर वो सब मिलकर कैंप फायर लगाते हैं। रानू चिड़िया भी उस ट्रेन में ही अपने पति और बेटी के साथ छोटा सा घर बनाकर बारिश के मौसम में खुशी खुशी से रहने लगती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ खुशी से रहा करती थी। एक दुर्घटना में रानू का पति टुन्नू की मौत हो जाती है। तब से रानू अकेले ही गुड़िया का पालन पोषण करती है। ऐसे ही एक दिन रानू अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया तुम इतनी देर तक क्यों सो रही हो, जल्दी से उठो, स्कूल के लिए जाना है ना। अगर तुम्हें देरी हो गई तो तुम्हें टीचर डांट लगाएगी। माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, स्कूल में टीचर्स के अलावा मुझसे कोई बात नहीं करता। स्कूल में सब बच्चे बस मुझे चिढ़ाते रहते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। गुड़िया बेटी तुम स्कूल तो पढ़ने जाती हो ना, ना कि खेलने कूदने। तुम अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अब जल्दी से उठो, तैयार भी होना है। माँ आप कुछ ना कुछ कहकर मुझे मनवा लेती हो, जाओ माँ। रानू अपनी बेटी को समझाकर स्कूल भेज देती है और वो खुद काम पर चली जाती है। जैसे ही गुड़िया स्कूल पहुँचती है उसके स्कूल के दोस्त उसको चिढ़ाने लगते हैं। शाम को जब स्कूल की छुट्टी होती है तो वो सब गुड़िया को फिर से चिढ़ाने लगते हैं। तभी वहाँ पर आइसक्रीम की गाड़ी आती है। वो तीनों अपने अपने लिए आइसक्रीम लेकर खा रहे थे। गुड़िया को भी आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था। गुड़िया तुम्हारे पास तो आइसक्रीम खरीदने के पैसे नहीं है, तुम भी अपने माँ के साथ काम करने के लिए क्यों नहीं चली जाती। समझ में नहीं आता कि ऐसे गरीब पक्षियों को स्कूल में आने ही क्यों देते हैं। ये सुनकर गुड़िया उदास हो जाती है और जल्दी से अपने घर वापस आ जाती है। गुड़िया बेटी तुम रो क्यों रही हो, क्या टीचर ने तुम्हें डांटा? माँ मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम दिलाओ माँ। पर गुड़िया बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला सकूं। स्कूल की फीस भरने में और तुम्हें खिलाने पिलाने में ही कितने पैसे चले जाते हैं। मुझे वो सब नहीं पता माँ, मुझे आइसक्रीम चाहिए, अभी चाहिए। गुड़िया तुम ऐसे जिद क्यों कर रही हो, मेरे पास पैसे नहीं है, अब तुम यहाँ से जाओ। फिर गुड़िया एक पेड़ के नीचे उदास बैठी रहती है। तभी उसके पास एक परी आती है। क्या हुआ नन्ही सी चिड़िया, तू इतनी उदास क्यों है? परी जी मुझे आइसक्रीम चाहिए, मेरी माँ मुझे आइसक्रीम नहीं दिला रही है, मुझे अभी के अभी आइसक्रीम खानी है। रो मत गुड़िया, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी। ये क्या कई सारे आइसक्रीम खिलाऊंगी। फिर परी अपना जादू दिखाती है। वहाँ पर एक छोटा सा पौधा आता है। ये लो ये छोटा सा पौधा लो, ये मामूली पौधा नहीं है, इसमें बहुत सारे शक्तियाँ हैं। इस पौधे से तुम जो मांगोगी वो सब मिलेगा। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है, जादुई पौधे मुझे एक आइसक्रीम दे दो। गुड़िया ऐसे कहते ही जादू से वहाँ आइसक्रीम आता है। फिर गुड़िया उस पौधे को अपने आंगन में बो देती है और एक नया सा बैग लेकर अपने स्कूल जाती है। गुड़िया का नया स्कूल बैग देखकर सब पक्षी चौंक जाते हैं। शाम होते ही वहाँ पर एक फिर से आइसक्रीम की गाड़ी आती है। गुड़िया
आज तू नया बैग लेकर बहुत शो ऑफ कर रही थी ना, क्या आज तुम्हारे पास आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे हैं? दोस्तों तुम सब मुझे रोज चिढ़ाते रहते हो ना, आज मैं तुमको आइसक्रीम खिलाऊंगी। ऐसा कहकर गुड़िया जादुई पौधे से आइसक्रीम मांगती है। गुड़िया इसे देखकर बहुत उछल रही है, कैसे भी करके हमें इस पौधे को तोड़ना होगा। फिर वो दोनों पौधा निकालने के लिए आगे आते हैं, लेकिन पौधा उखाड़ नहीं पाते। परी जी ये पौधा उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से बचा लीजिए इस पौधे को। गुड़िया की मदद करने के लिए परी वहाँ आ जाती है। जादुई परी को देखकर वो दोनों दुष्ट पक्षियाँ डर जाते हैं और जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। उस दिन के बाद से गुड़िया अपनी माँ रानू के साथ खुशी खुशी से रहने लगती।